For coming back to the video, everyone. So many of you were complaining about the audio in the last video, so I've upgraded to Rode Video Micro with my smartphone, so the video is not an issue now. Now coming to the topic, I'm talking about my TVS Jupiter on which the video is made today. Aaj ki jo video hai wo contain karti hai total modifications about the TVS Jupiter, and I think that with this video would claim that there is none other TVS Jupiter in the whole country which has been modified to this level. So to claim that, you will be the audience and comment down below and do give a like for this kind of modification that I have done on my TVS Jupiter. ये जो modification है कई लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगने वाली है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है. एक्सटीरियर टू इंटीरियर मॉडिफिकेशन की स्पेसिफिकेशन विद प्राइजेस मैं आपको दूंगा और इस जुपिटर का रिव्यू भी दूंगा जो 2017 BS4 मॉडल है. So let's get started. So this GLS scooter has been made totally different from front to back. Scooty ko taiyar karne ka bas mera ek purpose tha ki isko next level different banana hai. Kisi aur ki aisi milni nahi chahiye. So ab isko main disclose karne ja raha hu. आपको एक पते की बात बताऊंगा कि इसका एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसके ऊपर इसी की फोटोज हैं, इसी फैन फॉलोइंग कुछ 1500 फॉलोअर्स हैं. सो आई विल बी गिविंग यू द लिंक ऑफ द इंस्टाग्राम पेज एंड यू नीड टू फॉलो इट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट फोक, इसके अंदर मैंने एक सेफ्टी लॉक इंस्टॉल किया है जो मेनली आपने बाइक्स में देखा होगा. ये लॉक सिर्फ और सिर्फ होंडा एविएटर एंड टीवीएस जुपिटर के अंदर कामयाब है क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो कुछ फोक के लिए फोक टाइप है. इसलिए टायर के ऊपर आपको स्टिकरिंग दिख जाएगी, वेल्व कैप आपको कस्टमाइज दिख जाएगी जो एक स्कल शेप में है. और आ जाते हैं अब इसके मडगार्ड के ऊपर. मडगार्ड के ऊपर आप देखेंगे फुल इसके ऊपर एडवेंचर स्टिकर्स हैं जो मैंने ऑर्डर करे अली एक्सप्रेस से. अगेन अ वेरी रिलायबल प्लेस टू शॉप. इस फोक पर भी आपको स्टिकर्स दिख जाएंगे. साइड बॉडी पर फुल स्टिकर्स हैं हर जगह. ये कुछ कस्टमाइज स्टिकर्स हैं जो मैंने throttlelogic.com से ऑर्डर करे हैं जिनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं. जो आप इंडिकेटर देखेंगे, इंडिकेटर के अंदर भी इसके अंदर कस्टमाइज LED बल्ब लगे हुए हैं जो मैंने मंगाए हैं सिमेंटिक के. आप गूगल पर सिमेंटिक LED बल्ब लिखेंगे तो ये आ जाएंगे. जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और ब्राइट है, एनर्जी भी लो कंज्यूम करते हैं. स्कूटी का नंबर है ही हमारा 786. अब आ जाते हैं पार्किंग बल्ब्स के ऊपर. पार्किंग बल्ब्स भी इसके अंदर LED इंस्टॉल्ड है. अब आप पूछेंगे कि इसके अंदर यार तुमने LED नहीं इंस्टॉल करी, मेरे को हैलोजन नज़र आ रहा है. हैलोजन बल्ब के अंदर मैंने मेजर अपग्रेड ये किया है. कई लोग क्या करते हैं LED लगा लेते हैं जो ना बैटरी हमारी बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है. बैटरी जो ड्रेन करती है उसके चक्कर में हमारा बैटरी का इशू आता है, हमारी वायर कट करनी पड़ती है LED लगाने के लिए. लेकिन हैलोजन के अंदर मैंने इंस्टॉल किया है 55 वॉट का H4 हैलोजन. जो कंपनी है वो स्टॉक देती है 35 वॉट हैलोजन, लेकिन इसके अंदर मैं रिप्लेस कर दिया विद 55 वॉट हैलोजन जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. रोड का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा लिटअप हो जाता है रात को. अब आ जाते हैं इसके मिरर्स के ऊपर. मिरर्स के ऊपर मैंने एक वाटरप्रूफ फोन होल्डर का स्टैंड लगा रखा है. अब ये सोचेंगे अब ये क्या है, ये चीज़ मैंने TVS जुपिटर क्लासिक से निकाल कर इसमें लगाई थी फॉर विंडशील्ड इंस्टॉलेशन जो फेल हो गई थी. सो डोंट कोट मी ऑन दिस. कार्बन फाइबर रैप ऑन बोथ द मिरर्स. मेनी ऑफ यू विल से दैट कि यार तुमने कहा था कि ये BS4 है, लेकिन BS4 के अंदर तो ऑलरेडी हेडलाइट हमारी जली हुई आती है. हेडलाइट हमारी जली हुई है इसके इस पूरी स्कूटी के अंदर जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं. मैंने इसको टोटल
एलईडी जुपिटर बना दी है जिसके अंदर मीटर के अंदर भी एलईडी है। देखिए जैसे मैं इसको बंद करता हूँ, अब चलाता हूँ, ये इसके अंदर एलईडी बल्ब है, आपको दिन में इतना दिखेगा नहीं। हमारा जो हेडलाइट है वो हमारी ऑलरेडी, ये देखिए अब हैलोजन जल जाएगा विद रेस, ये अप डाउन हो रहा है। ये जो मेरा स्विच है ये मैंने खुद इंस्टॉल किया है फॉर द पार्किंग बल्ब्स, एंड यस फॉर द सरप्राइज इसके अंदर एक नोज लाइट भी है, जो इसके दो बल्ब्स हैं, एक ये फॉर द फर्स्ट स्टेप ये ऑन करता है हमारे पार्किंग बल्ब्स को, एंड फॉर द सेकंड स्टेप ये ऑन करता है हमारी नोज लाइट को, जिसका व्यू बहुत ही औसम आता है रात के अंदर। लेकिन अगेन मैं आपको एक और क्वेश्चन माइंड में खटक रहा होगा कि इसकी लाइट कैसे ऑफ करते हैं। ऑल द जुपिटर ओनर्स, देयर इज अ ट्रिक कि आप एक पेपर लीजिए, स्विच को पकड़िए, अपने स्विच को दबाइए, पेपर यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे पेपर घुसा दिया, हमारा ये डिपर बटन दबाइए और हल्का सा छोड़ दीजिए, ये हल्का सा बीच में अटक जाएगा और आपकी लाइट बंद। बेशक ही आपके दो ये पार्किंग बल्ब जलते रहेंगे इन BS4 एंड BS6 एडिशन, लेकिन ऑब्वियसली आपकी ये लाइट बंद रहेगी। कमिंग टू द मीटर, इसकी मैंने पूरा अंदर से कस्टमाइज किया है, मीटर खोलने के बाद ये पूरी की पूरी रिंग चेंज करी है, रिंग चेंज नहीं करी, रिंग को निकाल कर मैंने इसके ऊपर करी है रैपिंग, एक कार्टून रैप आता है ग्राफिक रैप, उसको मैं रैप किया है। नाउ आई हैव आल्सो इंस्टॉल्ड म्यूजिक सिस्टम इन दिस, इसको मैंने वायर किया है, देखो इसके दो स्पीकर्स हैं। एवरीवन हु इज अ फैन ऑफ KTM फ्लैशर, KTM फ्लैशर मतलब जो LED इंडिकेटर्स होते हैं वो ऐसे 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 तेज तेज ना ब्लिंक करते हैं, उसके लिए भी मैंने मॉडिफिकेशन ढूंढा है। व्हाट पीपल डू इज दे इंस्टॉल्ड अ फ्लैशर एंड बॉडी के अंदर छेद करके वहां कहीं भी बहुत ही अनटाइडी तरीके से ना बटन लगा देते हैं या डिक्की के अंदर लगा देते हैं, जो बहुत ही ना बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं लगता है, बहुत ही अगली लगता है। सो द प्लेस आई हैव फाउंड फॉर द बटन वॉज दिस अंडर द सीट, जैसे मैं इसको पुश करता हूँ मेरे इंडिकेटर फ्लैश करने शुरू कर देते हैं, करता हूँ ये बंद, सिर्फ स्टार्ट करता हूँ तो पैटर्न चेंज हो जाता है। इसके अंदर 16 पैटर्न वाला 250 रुपीज़ का मैंने फ्लैशर इंस्टॉल किया है विद द वायरिंग, मैंने खुद इंस्टॉल किया है, कोई भी कर सकता है घर के अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। एंड आई रिकमेंड डोंट यूज़ दिस फ्लैशर इन वेन, मतलब सिटी राइडिंग कर रहे हो तो यूज़ कर रहे हो, खाली खड़े हो तो यूज़ कर रहे हो, अनटिल देयर इज एन इमरजेंसी डोंट यूज़ द इंडिकेटर फ्लैशर्स। दो स्पीकर के साथ एक एम्पलीफायर आता है, इसकी कॉस्टिंग थी कुछ 400 रुपीज, जिसका एम्पलीफायर लगा है यहाँ बॉडी के अंदर, इसकी वायरिंग हुई है टच टू टच विद सॉकेट, इसको मैंने पावर दिया है विद इग्निशन, ऑन किया ये दबाया और ये हो जाता है ऑन, आपको आवाज आई होगी, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के लिए रेडी है, तो जैसे ही मैं ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ भी हो जाता है। इसके अंदर क्या है कि अगर आप इसको डायरेक्ट बैटरी से कर देंगे तो यू कैन यूज इट एज एन अलार्म सिस्टम, जिसके अंदर सेंसर्स है, अगर स्कूटी जरा सी भी कोई हिलाएगा तो फिर इसके अंदर अलार्म बजेगा। यहाँ पर एक स्टिकर लगाया है फॉर सेफ्टी रीजंस, यू कैन पॉज इट, आगे का तो चलो काम खत्म। अब आ जाते थोड़ा सीट कवर के ऊपर, इसके ऊपर लेदराइट सीट कवर लगवाया है जो बहुत ही प्रीमियम है, 2 साल से इसके ऊपर कोई भी वेयर एंड टेयर नहीं हुआ है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। देन जो हमारा आर्मरेस्ट है इसको हम बैकरेस्ट भी बोलते हैं, इसके ऊपर अगेन कार्बन फाइबर, जो हमारा फ्यूल फिलिंग है इसके ऊपर एक वॉन्डरर स्टिकर, साइड का पैनल कुछ ऐसे, कुछ समझदार लोगों के लिए स्टिकर, बेस पे कुछ ऐसे, द डॉक्टर की मार्किंग एंड द साइलेंसर विच सेज लिमिटेड, एंड एक्चुअली दिस इज लिमिटेड। एंड मेनी पीपल विल थिंक यार देखिए यार सुपर बाइक जैसी ये क्या चीज़ है, जैसे हम साइलेंसर्स देखते हैं, ये जो पत्ती है ये मैंने रैप करवाई है रेनबो एडिशन के अंदर, एंड ऑल द ग्राफिक वर्क जो इस स्कूटी पर आपको दिखेगा, वेदर इट इज कार्बन फाइबर और द रेनबो और समथिंग एल्स और द स्टिकर्स, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके ऊपर जो भी मैंने काम कराया वो मेरी पर्सनल चॉइस थी, so everyone should have a personal choice, if you believe in this comment down below and tell. So this was all about the modification, now I'm gonna tell you my review about the Jupiter that it has given me, jo isne mere ko mazey diye hain 2 saal ke andar, jo isne mere ko saza di hai 2 saal ke andar wo main aapko batata hu. इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो मिनिमल पड़ता है अराउंड एयर फिल्टर 200, ऑयल रिप्लेसमेंट 250 अराउंड या 300 अराउंड, तो मान लो हर 2-3 हज़ार किलोमीटर के अंदर इसका पड़ जाता है अराउंड एंड अराउंड 800 रुपीस फॉर द सर्विस इंक्लूडिंग द लेबर एंड द। इसके अंदर मेरे को कोई ख़राब बात लगी ही नहीं है, लास्ट 2 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ इसको, 15,000 किलोमीटर कुछ हो गए हैं लेकिन इसने आज तक धोखा नहीं दिया, आज तक बंद नहीं हुई। देखो सर्विस टाइम पे कराओगे तो गाड़ी को खुश रखोगे, गाड़ी तुम्हें भी खुश रखेगी। बात जहाँ तक इसकी कस्टमाइजेशन की है, कई लोगों को ये अच्छी लगी, कई लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा बेकार। 3,000 किलोमीटर्स के टायर्स भी इतने वेयर नहीं हुए हैं, जबकि मैं इसके अंदर कोई स्किड नहीं मारता, कोई बर्नआउट नहीं करता, बर्नआउट इन द सेंस कि आगे की ब्रेक मार के पीछे का व्हील स्पिन करना, तो इसके टायर्स भी अभी वेयर आउट नहीं हुए हैं। बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ही ज़्यादा रग्ड एंड हार्ड है, बहुत ही अच्छी पेंट क्वालिटी है जो आपको धोखा नहीं देती, धोखा इन द सेंस कि उसको ये ना ये फेड होती है ना ये कुछ होता है इसके अंदर। विल हैव द क्वेश्चन दैट कि यार हम म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे
वेरिएबल्स इंस्टॉल कर लेंगे, हर चीज़ कर लेंगे, ये बैटरी पे बहुत ज़्यादा लोड डालेगी। देखिए यार, जो कंपनी के साथ साथ जो बैटरी आती है वो है एमको की बैटरी, वो ना बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। वो ख़राब होने के बाद मैंने इंस्टॉल करी है इसके अंदर अमेज़न की बैटरी, जो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, जिसके अंदर मेरे को कोई ना खास दिक्कत आई नहीं है अभी तक। बट देखते हैं, एक साल हो गया यूज़ करते करते म्यूजिक सिस्टम, लेकिन बैटरी का कोई भी इशू इसके अंदर नहीं आया है मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक तो देखते ज़रूर बनता ही बनता है। इफ़ यू हैव लाइक द मॉडिफिकेशन एंड द शॉर्ट एंड सिंपल रिव्यू अबाउट द जुपिटर, सो डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने मेरी टाटा नेक्सॉन की सीरीज़ नहीं देखी है तो उसका कार्ड यहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ पर भी आ रहा है उस पर क्लिक करो, उसको देखो और उसके ऊपर भी कमेंट करके बताओ कि यार देखो, टाटा नेक्सॉन ओनर्स के लिए है ही नहीं, वो सबके लिए है, वो टियागो के लिए है, वो हर कार के लिए है। बात ना आइडिया की आती, व्हाट आइडिया यू प्रेजेंट टू पीपल। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाटसोएवर रीजन, इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, डू गिव अ लाइक, डू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर फर्दर वीडियोज, एंड स्टे ट्यून्ड द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर फर्दर अपडेट्स। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक दबाओ। वीडियो अच्छी नहीं लगी और उसका रीज़न बताना चाहते हो फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, तो फिर डिसलाइक दबाओ एंड डू कमेंट डाउन बिलो एंड टेल व्हाट इज़ द नीड दैट द वीडियो हैड, कि जो मैं पूरी नहीं कर पाया और आपके दिमाग में क्या आइडिया है इसको बताने के लिए। टू के अंदर नंबर बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो सब्सक्राइब भी मत करना। अगर वीडियो आगे फर्दर कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब करना। एंड हियर इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, जिसको आप फॉलो करें, जिसको आप इंस्टाग्राम पे लेके, जो मेरा यूट्यूब का नाम है वही मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, सेम उसके ऊपर मेरे को डॉट फॉलो करना और वहाँ पर मैं देता हूँ सबसे पहले अपडेट्स। इन द एंड देयर विल बी लिंक्स ऑफ माई टाटा नेक्सॉन सीरीज, डू वॉच देम एंड डू शेयर देम। अगर वो भी अच्छी लगी तो फिर दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड डोंट जस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर द सेक कि मैंने बोला है तो फिर सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब बस इसलिए करना अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो ही सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू, क्लोजिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।